फिल्म ओए लकी। लकी ओए से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ऋचा चड्ढा आज भी टाउन की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। कम ही लोग जानते हैं कि ऋचा पंजाब से मॉडल बनने के लिए मुंबई आई थीं। इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और हिंदी सिनेमा की तरफ रुख किया। अपनी पहली ही फिल्म से वाहवाही बटोरने के बाद ऋचा ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऋचा ने अपनी एक्टिंग से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया था। ऋचा चड्ढा ने इस फिल्म के साथ की ऐसी फिल्में की जिनमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग तो नजर ही आई, साथ ही उनका हॉट अवतार भी दिखा था। आइए बताते हैं किस किस फिल्म में नजर आया ऋचा का बोल्ड अवतार। ऋचा ने कॉमेडी फिल्म ओए लकी लकी ओए में काम किया। इस डेब्यू फिल्म में इन्होंने हीरोइन नीतू चंद्रा की बड़ी बहन डॉली का रोल निभाया है। एक मध्यम वर्ग की लड़की के किरदार में ऋचा चड्ढा को काफी वाहवाही मिली। ऋचा चड्ढा ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी जबरदस्त रोल प्ले किया है। इस फिल्म में एक ट्रेस ऋचा चड्ढा ने एक अधेड़ उम्र गृहिणी नगमा खातून का किरदार निभाया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में इनके किरदार की तारीफ हुई। फिल्म फुकरे में भी एक ट्रेस ऋचा चड्ढा ने एक अलग किस्म का बोल्ड मीनिंगफुल किरदार अदा किया है। इसमें एक ट्रेस ऋचा चड्ढा एक पंजाबी लड़की भोली पंजाबन के किरदार में नजर आई थी। फिल्म में भोली पंजाबन एक लेडी जो डॉन के रूप में दिखाई गई। कान फिल्म फेस्टिवल की 2 कैटेगरीज में अवार्ड जीतने फिल्म मसान फिल्म में ऋचा चड्ढा ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। बनारस पर बेस्ड इस फिल्म में 4 लोगों की कहानी दिखाई गई है जिसमें एक ट्रेस ऋचा चड्ढा को काफी तारीफ मिली। कहा जाता है कि इस फिल्म में ऋचा एक्टर अली फजल को दिल दे बैठी थी। बता दें कि अली फजल बॉलीवुड फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी नजर आ चुके हैं और एक ट्रेस ऋचा चड्ढा के साथ रिलेशन में हैं। फिल्म कैबरे भी एक ट्रेस ऋचा चड्ढा की दमदार बोल्ड भूमिकाओं वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म एक कैबरे डांसर की जिंदगी पर आधारित है। इसमें ऋचा कैबरे डांसर की भूमिका में बोल्ड हॉटनेस वाले किरदार में दिखी।